तो दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल के माध्यम से हमारा खास प्रोग्राम फार्मर द जर्नलिस्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक ऐसी ब्रिटिश काल की एक नदी है और नदी जिससे क्षेत्र की जो जनपद की और कई जनपदों की जो सिंचाई होती थी ब्रिटिश काल से आज तक चली आ रही है और आज भी किसान भाइयों के लिए ये उनकी खेती के लिए एक वरदान साबित होती है। ब्रिटिश काल से बनी इस नदी का नाम अप्सरा नदी है, जो उत्तराखंड से होते हुए जितना जो पानी होता है नदी में आता है और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद ये कई जनपदों में पीलभीत में एकत्र होती है। पीलभीत में इसका जो डैम है, बांध बना हुआ है, उसके बाद यहाँ से ये नदी कई हिस्सों में बढ़ जाती है और किसानों की जो फसल है, फसलों को ये अपासी के रूप में जो है वो पानी पर्याप्त कराती है। किसान बिना इस नदी के अपनी फसलों को जो है सुचारू रूप से चालू नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये वीडियो में एक बड़ी सी विशालकाय नदी है और इस नदी का नाम है शारदा नदी, अप्सरा नदी के नाम से प्रचलित। ये नदी शारदा सागर खंड के पीलभीत में होते हुए ये कई हिस्सों में इसने अपनी जो रास्ता है वो बना लिया है, क्योंकि ये पीलभीत के जो मझोला के में स्थित तहसील अमरिया में एक शारदा सागर डैम है। अगली वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि डैम में किस तरह से पहाड़ से पानी आते हैं और पहाड़ से पानी आने के बाद वहाँ स्टोर होता है। उत्तराखंड से जितने भी पहाड़ में बारिश होती है और उसके बाद यहाँ पानी एकत्र होता है नदियों के जरिए, यहाँ से फिर जो है किसानों के लिए यानी खेती किसानी के लिए इन पानी को नदियों के जो रूप है उसमें छोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर पीलभीत, लखीमपुर खीरी और लखनऊ तक इसकी मार होती है पानी की, जो किसानों के लिए पर्याप्त खेती के लिए इस पानी को छोड़ा जाता है। इसके अलावा बरेली, शाहपुर, बदायूं, रामपुर जैसे बड़े क्षेत्रों में, बड़े जनपदों में इस पानी को छोड़ा जाता है इसी नदी के ज़रिए से। और इसके बाद यहाँ जो किसानों की जो खेती होती, खेतों की जो फसल होती है उसकी सिंचाई जो है इसी नदी के ज़रिए से होती है, क्योंकि ये पहाड़ों से पारा पानी पीलभीत के जो धुनी डैम सागर है शारदा सागर खंड में उसको एकत्र किया जाता है, उसके बाद यहाँ से पानी को कई हिस्सों में भेजा जाता है, छोड़ा जाता है, जिससे किसानों की फसलों को जो है वो पानी दिया जाता है, इससे सिंचाई होती है। ये क्रम जो है ब्रिटिश काल से चल रहा है, लगातार ब्रिटिश काल द्वारा इस बांध का, इन नदियों का निर्माण किया गया था, जो आज तक लगातार किसानों को अपनी सेवाएं दे रही हैं और किसानों की फसलें भी इसी नदी के पानी से पूरी तरह से फल फूल रही हैं।